कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्तवि कर्मणि। श्री विष्णु ने पहले देवराज इंद्र और फिर देवर्षि नारद को यह संकेत देकर कि विरोधियों को कैसे तर्कहीन किया जा सकता है और उन्हें किस प्रकार वो कार्य करने पर भी तैयार किया जा सकता है जो वो करना ना चाहते हों, वास्तव में कूटनीति की परिभाषा बता दी। इसी के साथ यह भी सिद्ध हो गया कि युद्ध केवल युद्ध क्षेत्र में नहीं जीता जाता, विवेक और नीति से कार्य लिया जाए तो युद्ध बातचीत द्वारा भी जीता जा सकता है। दानवों को संजीवनी मंत्र के होते अमृत की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु श्री विष्णु के परामर्श से देवराज ने अमृत के पक्ष में ऐसे तर्क दिए कि दानवों को विश्वास हो गया कि अमृत संजीवनी मंत्र से भी अधिक मूल्यवान है और वे मंथन के लिए सहयोग देने पर तैयार हो गए। इस विराट मंथन के कारण सागर के गर्भ में छिपी क्या क्या विचित्र और अनमोल वस्तुएं निकलेंगी ये जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं।
गुरुदेव, सागर मंथन से अमृत के स्थान पर विष निकलाया है, चारों ओर त्राई त्राई मची हुई है। देवता तो कहते थे कि सागर मंथन से जीवनदायक अमृत मिलेगा, परंतु सागर तो मृत्यु बांट रहा है गुरुदेव। इसी कारण हम वहां से भाग आए, ऐसे में सागर मंथन से क्या लाभ? हम अब सागर मंथन में भाग नहीं लेंगे। मूर्खता मत दिखाओ, तुमने ये कैसे मान लिया कि सागर मंथन से केवल अमृत निकलेगा, और वो भी सबसे पहले? मूर्खों, इस मंथन से अनेक ऐसे पदार्थ, अनेक ऐसे रत्न निकलेंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। परंतु गुरुदेव, अभी तो सागर तट पर जाना मृत्यु को निमंत्रण देना होगा। वहां चारों ओर विषैली वायु के बादल फैले हुए हैं और फैलते ही जा रहे हैं, वहां तो खड़े रहना भी असंभव है। ना जाने ये कैसा विष है। इस विष का नाम है कालकूट, और ये हलाहल है। परंतु तुम क्यों चिंता करते हो? मेरे पास भी संजीवनी मंत्र है, और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम सब मेरे आश्रम में ही ठहरो और इस विपत्ति के टलने की प्रतीक्षा। तुमसे अधिक तो देवता चिंतित होंगे, क्योंकि देवताओं के लिए मंथन और अमृत तुम्हारी तुलना में अधिक महत्व रखता है। अब देखना है कि वो इस विपत्ति को टालने के लिए क्या उपाय करते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए हे त्रिलोकनाथ, आपकी सृष्टि संकट में है। हे विश्वेश्वर, सागर मंथन से जीवनदायक अमृत के स्थान पर प्राणघातक विष निकला है, सृष्टि में हाहाकार मचा है। हे आदि प्रजापति, हे देवगण, जीवन को अमर बनाने के लिए मृत्यु से हर पग पर टकराना तो अवश्य पड़ता है। इसी संघर्ष में तो जीवन का सौंदर्य निहित है। जब शिशु माता के गर्भ में होता है तो उसे हर क्षण मृत्यु से संघर्ष करना पड़ता है। शिशु के जन्म से पूर्व माता भी जीवन और मृत्यु के इसी संघर्ष का अनुभव करती है। परंतु जैसे ही शिशु का जन्म होता है, समस्त सृष्टि मुस्कुराती है। यदि अमृत की प्राप्ति इतनी सरल होती देवगण, तो जीवन और मृत्यु का यह संघर्ष और उसकी यह कथा कब की समाप्त हो चुकी होती। परंतु हे जगदीश्वर, समुद्र में यह विष आया कहां से? ये तो आदि प्रजापति श्री ब्रह्मा की संतान मानव का चमत्कार है। वो जिस वस्तु को भी अपने लिए उपयोगी नहीं समझता, उसे समुद्र की गहराइयों में फेंक देता है। वो ये नहीं सोचता कि जो वस्तु उसके लिए हानिकारक है, वो समुद्र के प्राणियों के लिए भी हानिकारक होगी। मैंने तो जल मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया था। सत्य कहा आपने हे ब्रह्मा, जल का तो अर्थ ही है जीवन, परंतु मनुष्य ने उसे व्यर्थ और हानिकारक वस्तुओं का भंडार बना दिया है। उसी प्रदूषण ने बढ़ते बढ़ते विष का रूप धारण कर लिया है। उसे एक न एक दिन समुद्र के गर्भ से बाहर तो आना ही था। हे लक्ष्मी नारायण, क्या यह नहीं हो सकता कि यह विष जहां से आया है, इसे उसी समुद्र में वापस फेंक दिया जाए? नहीं देवराज, नहीं, ये समस्या का समाधान नहीं है। यह तो समस्या से भागने का एक असफल प्रयत्न है। यदि इस विष को पुनः समुद्र के गर्भ में फेंक दिया गया तो वह दृष्टि से ओझल अवश्य हो जाएगा, पर उसके अस्तित्व का अंत नहीं होगा।
वो कल फिर समुद्र के गर्भ से बाहर निकलेगा, किसी और पीढ़ी के लिए संकट बनेगा। देवराज, संकट का समाधान अगली पीढ़ी के लिए छोड़ देना स्वार्थ है, कुनीति है। हे सर्वेश्वर, सागर मंथन आपके आदेश के कारण आरंभ हुआ था। अमृत की प्राप्ति हमारे लिए नितांत आवश्यक है, परंतु इस विष के कारण मंथन स्थगित हो चुका है। आपका आदेश अधूरा रह गया है। हम मंथन करके आपके आदेश का पालन करना चाहते हैं, परंतु यह विष बाधा बन गया है। देवगण, ये बहुत जटिल समस्या है और इसका समाधान केवल भोलेनाथ कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि इस संकट का निवारण केवल उन्हीं के पास है। चलिए, मैं भी आप सबके साथ उनकी सेवा में चलता हूं। महादेव की जय हो। मेरे अहोभाग्य, आज कैलाश धन्य हो गया। आज कैलाश को त्रिमूर्ति के ही नहीं, समस्त देवताओं के भी दर्शन हो रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। कैलाश पर आप सबका स्वागत करता हूं। हे देवाधिदेव, हे महादेव, सृष्टि पर संकट की छाया गहरा रही है। संकट? हाँ भोलेनाथ, संहार करता तो आप हैं, परंतु आज आपकी इच्छा के बिना मानव जीवन पर संहार का प्रारंभ हो गया है। देवता और दानव मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, परंतु इस मंथन की सर्वप्रथम भेंट कालकूट विष सिद्ध हुई है। अब यह विष समस्त सृष्टि के लिए संकट बना हुआ है। समस्या यह है कि इस विष के प्रभाव से यदि दानवों की मृत्यु हुई तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके दिए हुए संजीवनी मंत्र की शक्ति से उन्हें पुनर्जीवित कर लेंगे। श्री विष्णु की कृपा से देवताओं की भी सुरक्षा हो जाएगी। पर इस विष के दुष्प्रभाव से मेरी संतान, मेरा निर्दोष मानव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारी सहायता कीजिए। हे महादेव, कालकूट विष सारे विश्व को अपनी लपेट में ले रहा है। हम पर कृपा कीजिए, इस संहारक विष को नष्ट कीजिए। देवराज, संहार करता तो केवल मैं हूं, विष भी मेरा ही आविष्कार है। विष मेरे लिए संहार करने का शस्त्र, और किसी भी विष को नष्ट नहीं किया जा सकता। विष को रोका जा सकता है, विष को सीमित किया जा सकता है, विष के दुष्प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है, परंतु विष को नष्ट नहीं किया जा सकता। और हां देवराज, संसार में कालकूट ही एकमात्र विष नहीं है। विष तो कटुवाणी में भी होता है, अश्लील विचारों में भी होता है। वाणी के विष को यदि कानों में ही रोक लिया जाए तो उसका प्रभाव हृदय तक नहीं पहुंचता, और अश्लील विचारों के विष को यदि मस्तिष्क में प्रवेश न करने दिया जाए तो वह चरित्र को हानि नहीं पहुंचा सकता। जहां अमृत होता है वहां विष का होना तो स्वाभाविक है, परंतु आप धन्य है भोलेनाथ, आप धन्य है। कालकूट विष का प्रभाव तो आपके सुंदर तर्क ने ही कम कर दिया। अब शेष समस्या का समाधान भी आप ही निकालेंगे। आपने सत्य कहा कि विष को नष्ट तो नहीं किया जा सकता, परंतु उसे रोका अवश्य जा सकता है, और यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं देवाधिदेव। हे त्रिलोकेश्वर, आप सब चलकर मेरे पास आए हैं। यहां आकर आपने मुझ पर कृपा की, आपके आदेश का पालन करके मुझे हर्ष होगा। मुझे कालकूट को कहीं रोकना होगा, उसकी सीमा का निर्धारण करना होगा। जगत के कल्याण के लिए यह कार्य मैं अवश्य करूंगा। आप चिंता न करें, मैं आपके साथ सागर तट पर चलता हूं।
हे महेश, हे महादेव, आज आपने कालकूट विष के प्रभाव से सारे संसार को बचा लिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने समस्त सृष्टि पर उपकार किया है महादेव। आज आपने महान त्याग और महानतम बलिदान का प्रदर्शन किया है। हे भोलेनाथ, आज से आप नीलकंठ हो गए और यह समस्त संसार इस नीलकंठ का सदैव आभार मानेगा। मैं स्वयं आपका ऋणी रहूंगा नीलकंठ, क्योंकि जिन लोगों की रक्षा मुझे करनी चाहिए थी, आज उन सब की रक्षा आपने की है। आज आपने समस्त संसार को यह ज्ञान दे दिया कि जिस प्रकार सूर्य बनने के लिए अग्नि बनना पड़ता है और अग्नि में जलना भी पड़ता है, उसी प्रकार शंकर बनने के लिए विष का प्राशन भी करना पड़ता है। और हे नीलकंठ, इस विष को आपने कंठ तक रोककर यह भी सिद्ध कर दिया कि विष चाहे जैसा भी हो, उसके प्रभाव को रोकना संभव है। इसलिए मैं स्वयं महाविष्णु आपको प्रणाम करता हूं। अभिवादन है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कालकूट का संकट टल गया। श्री शिव शंकर ने कृपा की और उसे अपने कंठ में रोक लिया। मैं जानता था इस संकट का निवारण केवल मेरे महादेव ही कर सकते हैं और वही करेंगे। जय भोलेनाथ। तो अपने शिष्यों को सागर तट पर चलने की आज्ञा दीजिए। रुका हुआ सागर मंथन पुनः आरंभ होना है। अवश्य देवराज, अवश्य। आप चलिए, मेरे शिष्य थोड़े समय में आपसे आ मिलेंगे। तो सागर तट पर पुनः भेंट होगी। गुरुदेव, क्या मैं पुनः जाना होगा? हाँ, ना केवल जाना होगा बल्कि सागर मंथन में भाग भी लेना होगा। अमृत कितना महत्वपूर्ण है ये केवल मैं जानता हूं। देवराज इंद्र की बात भूल गए तुम? संजीवनी मंत्र जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अमृत उतना ही मेरे लिए आवश्यक है। तुम सब तुरंत सागर तट पर पहुंचो। स्वर भानु, तुम मेरे शिष्यों के साथ जाओ और मेरे आदेश को ध्यान में रखकर उनकी हर क्रिया पर दृष्टि रखो। जो आज्ञा गुरुदेव। देवराज, हम आ गए। मंथन आरंभ कीजिए। हम तो प्रस्तुत हैं कालकेतु।
हमें केवल आपकी प्रतीक्षा थी। देवताओं, सागर मंथन का शुभारंभ कीजिए। ये तो एक नारी है। चल, इतनी सुंदर नारी कभी देखी थी पहले? नहीं दानवराज, ये तो कोई स्वर्ग की अप्सरा दिखाई पड़ती है। मूर्ख हो तुम, स्वर्ग की अप्सराएं तो इसके पांव की धूल के समान होंगी। तनिक इसका रूप तो देखो, मुख है कि पूनम की रात्रि का चंद्रमा, आंखें हैं या मद की कटोरी, कपोल है कि लाल कमल के पुष्प, अधरों की लालिमा उषा को लजा रही है, कंधों पर काले केशों की घटा लहरा रही है, मुस्कुराती है तो हृदय पर बिजली गिराती है, चलती है तो पुष्पों से भरी डाली लचक जाती है। हर्षल, इसने तो मेरा मन विचलित कर दिया है। तो फिर आप घोषणा कर दीजिए महाराज, इस सुंदरी पर केवल आपका ही अधिकार होगा। इस सुंदर नारी पर हमारा अधिकार है देवराज। कदापि नहीं। क्यों? निर्णय तो यही हुआ था, मंथन से जो भी वस्तु निकलेगी वो देवताओं और दानवों में आदि आदि बांट दी जाएगी। हाँ, यही निर्णय हुआ था, किंतु यह वस्तु नहीं है, प्राणी है, नारी है, स्त्री है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। मैं कब कहता हूं कि इसका विभाजन किया जाए? मैं स्वयं इसे इसी रूप में प्राप्त करना चाहता हूं जिस रूप में दिखाई दे रही है। निर्णय बहुत सरल है देवराज, यह सुंदरी हमें दे दो, इसके उपरांत मंथन से जो भी निकलेगा वो तुम देवतागण ले लेना। दानवराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
ये केवल नारी और सुंदरी नहीं है, देवी है। और देवी केवल देवताओं की संगति में रह सकती है, दानवों की संगति में नहीं। तुम हट कर रहे हो देवराज। यह हट का नहीं सिद्धांत का प्रश्न है। यह देवी तुम्हें नहीं दी जा सकती। तो फिर हम समझौते के अंत की घोषणा करते हैं देवराज। हम समझौता समाप्त नहीं करना चाहते, परंतु यदि यही एक मार्ग रह गया है तो हमें स्वीकार है। समझौते के अंत का दूसरा अर्थ समझते हो देवराज? समझौते का अंत युद्ध का आरंभ होता है। अब हमारी भेंट युद्ध क्षेत्र में होगी। आपकी इच्छा दानवराज, तुम हमें युद्ध के लिए तैयार पाओगे। कमलनयन, हे पद्मनाभ, कहाँ हैं आप? मुझ विरह की मारी पर कृपा कीजिए। मेरी आंखें आपके दर्शन को तरस रही हैं, मेरी आत्मा आपको पुकार रही है। दर्शन दीजिए भगवान। मेरी आत्मा की पुकार सुन लीजिए। महादेवी कमलनयन। आपने हमें पुकारा, हम आ गए आपके पास। कमलनयन, आपने मुझे अपनी भुजाओं में ग्रहण करते समय कहा था कि इस बार हमारा मिलन बहुत ही मधुर होगा। हाँ देवी, परंतु धरती पर मुझे आपसे दूर करने की चेष्टा की जा रही है। देवता और दानव मुझे आपसे छीनने के लिए तत्पर हैं, एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। हे कमलनयन, सागर से निकलते ही सबसे पहले मुझे आप ही का ध्यान आया था। आपसे क्षणिक वियोग भी मुझसे सहन नहीं होता। हे महादेवी, उपवन के भाग्य में वसंत का सुख सदैव नहीं होता, उसे पतझड़ का दुख भी झेलना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में भी मिलन का आनंद सदा के लिए नहीं छाया रहता। देवी, वियोग की घड़ियां भी आती हैं। तो कब बीतेंगी ये विरह की घड़ियां? मैं तो आप ही की हूं, आप ही के लिए बनी हूं। आपसे दूर रहने का विचार भी मुझसे सहन नहीं होता। हे महादेवी, इस बार आप मंथन में सागर पुत्री के रूप में जन्मी हैं, इसलिए आप धरती के नियमों के अधीन हैं। मैं इन नियमों को तोड़ नहीं सकता। देवी, धरती के सारे प्राणियों की भांति आपके भाग्य विधाता भी ब्रह्मा है। आपके भाग्य में क्या लिखा है ये तो केवल वही बता सकते हैं। तो मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि मुझ पे ये अत्याचार क्यों किया जा रहा है, मुझे अपने नारायण से क्यों दूर किया जा रहा है। हे ब्रह्मा, हे आदि प्रजापति, हे विधाता, मेरा जीवन कांटों की शैया बन गया है। विरह की अग्नि मेरे तन मन को फूंक रही है। हे विधाता, आप तो जानते ही हैं मेरा मन नारायण के चरण कमल में वास करता है। उनकी भुजा ही मेरा घर है, उनके सुंदर मुख को निहारना मेरी पूजा है। उनसे दूर बीता एक पल मेरे लिए युग के समान है, फिर मुझे उनसे दूर क्यों किया जा रहा है? सागर तट पर मेरे लिए युद्ध की घोषणा कर दी गई है। आपके लिए युद्ध की घोषणा? हाँ विधाता, मेरे लिए युद्ध घोषित किया गया है।
देवता और दानव मेरे लिए झगड़ रहे हैं। देवता चाहते हैं कि मैं उनकी संगति में रहूं और दानवों की इच्छा है मैं उनकी संपत्ति बन जाऊं। हे विधाता, आपने मेरे भाग्य में क्या लिख दिया जो ये अत्याचार मुझ पर हो रहा है? हे देवी, अवश्य ही ये अत्याचार है, परंतु मैंने आप ही के लिए नहीं, हर नारी के लिए एक नियम बनाया है। वो नियम यह है कि नारी पर उसकी इच्छा जाने बिना कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता। पर वे जमा रहे हैं अधिकार। वे भ्रम में हैं, वे मेरे नियम को तोड़ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं, उनका भ्रम दूर करता हूं। देवताओं, ध्यान रहे कि समझौता तोड़ने की स्थिति तुमने बनाई थी, हमने नहीं। हम तो अब भी कहते हैं सागर मंथन से जन्मी सुंदरी हमें दे दो, हमारा समझौता बना रहेगा। ये संभव नहीं कालकेतु, हम तुम्हारी ये मांग नहीं मान सकते। इसके लिए यदि युद्ध होता है तो हमें कोई चिंता नहीं। चलो वीरो, आक्रमण करो। ठहरो, दोनों पक्ष इस नारी को प्राप्त करने के लिए झगड़ रहे हैं, पर किसी पक्ष ने इस नारी से यह पूछने का कष्ट किया कि स्वयं इसकी इच्छा क्या है? यह नारी की इच्छा का प्रश्न नहीं है ब्रह्मदेव, यह समझौते के सिद्धांत के आदर का प्रश्न है। नहीं, यह हर स्त्री के अधिकारों का प्रश्न है। अपने लिए किसी को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय केवल नारी कर सकती है। स्त्री कोई वस्तु नहीं जिसे बांट लिया जाए। समुद्र मंथन से निकली ये नारी मेरी सहोदरा है, मेरी बहन है। ये सागर पुत्री किसे स्वीकार करेगी, इसका अधिकार मैं इसी को देता हूं। आज मैं एक नई प्रथा के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। यह स्वयंवर की प्रथा होगी। स्वयंवर? स्वयंवर, हाँ, स्वयंवर, जो हर नारी का अधिकार होगा, अपनी इच्छा से अपनी पसंद का वर चुनने का अधिकार। इस सागर पुत्री के हाथों में एक पुष्पमाला होगी। यह पुष्पमाला इसकी मन की इच्छा की प्रतीक होगी। फिर यह सागर पुत्री जिसके गले में यह माला डाल देगी, समझा जाएगा उसी को इसने अपना वर चुन लिया। मैं समस्त देवता और दानव समाज को इस सागर पुत्री के स्वयंवर समारोह में भाग लेने का निमंत्रण देता हूं। हर्षल, मैं व्याकुल हो रहा हूं। क्यों दानवराज? न जाने ये चंद्रमुखी, ये मृग नयनी किसे चुनेगी? आपको ही चुनेगी दानवराज। ये तुम कैसे कह सकते हो हर्षल? है तो नारी ही दानवराज, और नारी केवल उसी को चुनती है जिसके पास शक्ति होती है। भुजाओं की शक्ति या धन की शक्ति, और ये दोनों ही शक्तियां आपके पास हैं। दानवराज, आपने देवताओं को परास्त किया है। नारी विजय का हाथ छोड़कर पराजय का हाथ कदापि नहीं थामती। आप विश्वास रखिए दानवराज, ये सुंदरी केवल आपको ही चुनेगी। बात स्वयंवर की सुनी, दानव हुए अधीर। जिसको चुन ले सुंदरी, परम धन्य वह वीर। दिव्य स्वयंवर की प्रथा भूल गया संसार। जिसने नारी को दिया
पथ पे चल सुजान विष्णु।